Great is the Lord and greatly to be praised. We thank God for what he has done in our lives. And while we sing this song, let's rejoice and give praise to our God. Join your hands with me while we sing this song. Great is the Lord and greatly to be praised. The Lord and greatly to be praised in the city of God and in his holy place. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of God.
स्वागत तुम्हारा, आओ यीशु मसीहा, हम करें आदर तुम्हारा। आओ पवित्र आत्मा, हम करें स्वागत तुम्हारा। आओ यीशु मसीहा, हम करें आदर तुम्हारा। हम गाते तेरी महिमा, उठाते ऊंचा तेरा नाम। हम गाते तेरी महिमा, उठाते ऊंचा तेरा नाम। आओ आओ यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। यीशु मसीह, यीशु मसीह।
गिरता जाऊं, आत्मा के अग्नि के सामर्थ्य से हर दम चलना चाहूं। आओ आओ यीशु मसीह, यीशु मसीह, हम करें स्वागत तुम्हारा। आओ यीशु मसीहा, हम करें आदर तुम्हारा। हम गाते प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय पहला वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। आप सब जन तैयार है वचन सुनने के लिए? किसको तो भी कहिए, परमेश्वर आज मुझसे बात करने वाला है, परमेश्वर मुझसे बात करने वाला है, आज परमेश्वर मुझसे बात करने वाला है। आज मुझे बताने दीजिए, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने जा रहा है। आज परमेश्वर जो भी आपकी बीमारी है, स्पेशली जो भी बीमारी है, आज जो भी बीमारियों के लिए परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर कहते हैं जो भी बीमारी है, आज जो भी बीमारी है, आज आप भी तुम हाथ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, ये वचन सुनने में बैठेंगे ना, ये वचन पूरा होने तलक जो भी बीमारी है यीशु के नाम से वो निकल जाएगी, वो सैतान निकल जाएगा, वो कर्जे की गरीबी के आत्मा बंधन सारे टूट जाएंगे, और यीशु के नाम से परमेश्वर खुदा आपको चंगाई देगा। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको देखा है, वो मैंने नहीं, किसी इंसान ने नहीं, पास्टर ने नहीं, खुदावन यीशु मसीह ने आपको देखा है, वो खुदावन पवित्र आत्मा होली स्पिरिट ने आपको देखा है, वो आपका आना उसने देखा है, आपका अंदर आना, आपका बाहर जाना उसने देखा है, वो आप मुझे बताने दीजिए, आपके आंसू उसने देखे। आज जो रो रहा है, आज खुदा कहता है तू बहुत रोई है, तू बहुत रोया है, वो मैंने तुझे, मैंने तेरे आंसू देखा है। आज मुझे परमेश्वर की भविष्यवाणी बताने दीजिए, आज परमेश्वर कहता है, वो स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, आपका परमेश्वर कहता है,
आपका सहाय करने वाला, आपका मददगार मदद करने वाला, वो आपको चंगाई देने वाला, आपको हर ब्लेसिंग में से ब्लेसिंग देने वाला, आपके घराने को बचाने वाला, आपके घराने को बनाने वाला, आपके घराने को उठाने वाला, वो जिंदा करने वाला। आज जो भी आपका घर का भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आज आपके माता पिता का भविष्य, आपके भाई बहनों का, वो यंग भाई बहनों का भविष्य, आज सब कुछ पति पत्नी का भविष्य, आपके बिजनेस का, आपके कारोबार का, आपके ऑफिस का, आपके एजुकेशन का, आपके काम का सब भविष्य मर चुका है। और खुदा कहता है तू रोता है, तू अकेला में रोता है, अकेली में रोती है। खुदा कहता है तू सबको हंसा के दिखाता है, और सबके सामने तू नहीं रोता, सबके सामने तेरी परिस्थिति नहीं दिखाता, लेकिन तेरे और मेरे जिंदा परमेश्वर ने, जो ये आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, जो तेरा बनाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिंदा है, वो परमेश्वर ने तेरे तुझे देखा है, वो परमेश्वर ने उसके आंखों से तुझे देखा है। आज ये सेवक के द्वारा परमेश्वर तुझसे बात कहता है, मत डर, मत डर, मत डर, कौन सी भी आंधी आए मत डर, ओ कौन सा भी तूफान आए मत डर, कौन सी भी परिस्थिति सिचुएशन रहे, ओ बीमारी की रहन दे या मरण की रहन दे या कर्जे की रहन दे या गरीबी की रहन दे या तेरा ऑफिस बंद हो, कंपनी बंद हो, बिजनेस बंद हो, वो सबने सबने तेरे लिए, तेरे घर के लिए, तेरे बच्चों के लिए सबने दरवाजा बंद किया है, सबने तेरे रिश्तेदारों ने, तेरे भाई बहनों ने, वो तेरे आजू बाजू के लोगों ने, तेरे मालिक ने, वो तेरे अधिकारियों ने, वो ये जग के सब लोगों ने तेरे लिए दरवाजा बंद किया है, सबने तेरे पास से मुंह मोड़ लिया है। खुदा कहता है सबने तुझे छोड़ा है, खुदा कहता है तेरे करीबी लोगों ने तुझे छोड़ा है, तुझे तेरे नजदीकी लोगों ने तुझे छोड़ा है, तेरे घर के लोगों ने तुझे छोड़ा है, तेरे रिश्तेदारों के लोगों ने छोड़ा है, तेरे करीबी दोस्तों ने, नेबर ने तुझे छोड़ा है, वो करीबी रिश्तेदार छोड़ा है। खुदा कहता है मत डर, खुदा आज तुझसे कहता है मत डर, ये वाणी मेरी नहीं है मेरे भाई बहनों, ये वाणी परमेश्वर की है, जो मुझे वो दिखाता है, वो मुझे दिखाता है तेरा आंसू, वो तू जो रोती है, तू जो रोता है, वो दिखाता है, तू जो विपत्ति में गिरी है, वो तू जो अंधकार में गिरा है, तू जो अंधकार में गिरी है, वो दिखाता है मुझे, वो तू जो अग्नि में से जा रही है, तेरा घराना अग्नि में से जा रहा है, वो दिखा रहा है मुझे। और परमेश्वर का वचन कहते हैं मत डर, ये प्रकाशित वाक्य चौथे अध्याय पहला वचन में वो कहता है स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है तेरे लिए, ओ स्वर्ग में एक द्वार खुला है तेरे लिए, स्वर्ग में एक द्वार तेरे लिए परमेश्वर ने खोला है। तू मत डर, ये दुनिया ने, दुनिया के लोगों ने तुझे छोड़ा है, तेरे भाई बहनों ने, तेरे रिश्तेदारों ने छोड़ा है, ओ तेरे काम के अधिकारियों ने, बॉस ने तुझे छोड़ा है, सब ने छोड़ा है। मत डर, तेरे पापों के कारण तुझे छोड़ा है, तेरे गलतियों के कारण छोड़ा है, तेरे बीमारी के कारण छोड़ा है, तेरे रॉन्ग चॉइस के कारण तुझे छोड़ा है। ओ परमेश्वर कहता है देख मैंने स्वर्ग में तेरे लिए एक द्वार खोल कर रखा है, खोला है द्वार, ओ तेरी सहायता परमेश्वर कहता है मेरे पास से आएगी, स्वर्ग से पास से आएगी, यीशु मसीह के पास से आएगी, पवित्र आत्मा के पास से आएगी। जब तक खुदा कहता है मैं तुझे सहायता नहीं करूंगा, ये पृथ्वी पर तुझे सहायता नहीं मिलेगी, खुदा कहता है जब तक मैं तेरे लिए स्वर्ग से दरवाजा खोल न दूं, ये पृथ्वी पर कोई भी तुझे दरवाजा नहीं खोलेगा। तू किसके भी पुकार, किसके भी पीछे जा, किसको भी ढूंढ, कितना भी मेहनत कर, सक्सेस कर, पढ़ाई कर, कुछ नहीं हो जाएगा। जब तक मैं स्वर्ग से नहीं देता, ये पृथ्वी के ऊपर तुझे नहीं मिलेगा। और परमेश्वर कहता है मैंने तेरी विपत्ति देखी है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरी अग्नि को देखा है, जो अग्नि में से, ज्वाला में से तू जा रहा है। और खुदा कहता है आज मत डर, ओ सचमुच मैं बताता हूं आपको, खुदा तुझसे कहता है मत डर, मेरी बहन तुझसे कहता है मत डर, मेरे भाई तुझसे कहता है मत डर, तू नहीं मरेगी, तू नहीं मरेगा। आज परमेश्वर ये सेवक के द्वारा कहता है तू नहीं मरेगी, ये आंधी में नहीं मरेगी, ये तूफान में नहीं मरेगा, ये विपत्ति में, ये नदी में, ये जल में, ये पानी में तू नहीं मरेगा। कौन सी आग तुझे नहीं जला पाएगी, क्योंकि आग का बनाने वाला मैं परमेश्वर हूं। मत डर, मैंने तेरे लिए स्वर्ग से दरवाजा खोला है, स्वर्ग का द्वार मैंने खोला है, और वो द्वार यीशु मसीह है,
ओ दार, कोई तेरा पैसा नहीं, काम नहीं, डिग्री नहीं, बिजनेस नहीं, लोग नहीं, रिश्तेदार करीबी लोग नहीं, जो अच्छी परिस्थिति में सब साथ रहेंगे और तेरे मुसीबत के समय तुझे छोड़ डालेंगे, तेरे राइट डिसीजन में तेरे साथ रहेंगे, रॉन्ग डिसीजन में तुझे छोड़ देंगे। नहीं, परमेश्वर कहता है, इसलिए मैंने तेरे लिए पृथ्वी पर नहीं, इस धरती पर नहीं, मैंने स्वर्ग में तेरे लिए द्वार खोला है, मैंने स्वर्ग से तुझे सहायता भेजी है और वो जल्दी तुझे मिलेगी। वो मुझे बताने दीजिए आज परमेश्वर की भविष्यवाणी, वो कहते हैं जल्दी तुझे सहायता मिलेगी। आज जिस चीज के लिए तू रुका है, जिस चीज के लिए तू रुकी है, जिस प्रार्थना के उत्तर के लिए तू रुका है, प्रेयर के आंसर के लिए रुका है, रुकिए, परमेश्वर कहते हैं जिस घर के लिए रुका है, कोई तो भी घर के लिए खुद के रुका है, जल्दी तुझे मिलेगा। ओ, कोई बिजनेस के लिए द्वार खोलने के लिए रुका है, आर्थिक परिस्थिति के लिए, पैसे के लिए, परमेश्वर कहता है मैंने द्वार खोल दिया है, जल्दी तू प्राप्त करेगा, जल्दी तू प्राप्त करेगी। मत डर, मैंने तुझे मरने के लिए चुना नहीं, मैंने तुझे मरने के लिए बुलाया नहीं, मैंने तुझे उद्धार करने के लिए तुझे चुना है, बुलाया है, ये दुनिया में से मैंने तुझे चुन के निकाला है। आज तू मरा रहता, आज तू मरी रहती, तेरा घराना मरा रहता, आज तेरा बिजनेस कारोबार सब कुछ मरा रहता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं जो तुझे बुलाने वाला है वो विश्वसनीय परमेश्वर है, वो विश्वासु परमेश्वर है, वो तुझे न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, वो तुझे कभी धोखा नहीं देगा। वो तेरे करीबी लोग धोखे देंगे, वो तेरे बिजनेस वाले धोखा देंगे, वो तेरे अधिकारी लोग धोखा देंगे, तेरे रिश्तेदार, तेरे भाई बहन, तेरे माँ बाप, तेरे पति पत्नी, वो तेरे दोस्त, तेरे नेबर सब धोखा देंगे। हालेलुया, 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 सब तुझे धोखा देंगे, सब फंसाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है देख, मैंने स्वर्ग में तेरे लिए एक द्वार खोल दिया है, स्वर्ग में मैं तुझे कभी नहीं फंसाऊंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। वो कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज वो तुझसे कहता है, हाँ मुझे बताने दीजिए, वो तुझसे कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। आज वो कहता है तूने गलती की है, तेरे गलती के कारण, वो कहता है फिर भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए स्वर्ग में द्वार खोला है, वो द्वार यीशु मसीह है, जो मार्ग सत्य और जीवन है। और वो कहता है मैंने तुझसे प्यार किया, ओ मैंने तुझसे प्यार किया, ओ परमेश्वर कहता है मैंने तुझसे प्यार किया, मैंने तुझे बुलाया, मैंने तुझे चुना। और परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए मेरा एकलौता बेटा यीशु को क्रूस के ऊपर मरने के लिए लिया, मैंने दिया यीशु को, मैंने दिया, ओ दरवाजा मैंने स्वर्ग के खोल दिया है, ओ दरवाजा यीशु मसीह है जो मैंने तुझे दिया है, ओ यीशु का नाम दिया है। और बाइबल कहता है, ओ पिता कहता है, ओ परमेश्वर कहता है, ओ जो दरवाजा मैंने खोल दिया है वो दरवाजा के कारण ही तो आशीर्वाद हो जाएगी, वो यीशु मसीह के कारण ही तो आशीर्वादित हो जाएगी। तेरे अच्छे कामों से नहीं, फलों से नहीं, तेरे गुणों से नहीं, तेरे मेहनत से नहीं। यदि परमेश्वर घर को नहीं बनाता तो बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है देख, मैंने तुझे देखकर, तेरे आंधियों को, मुसीबतों को, विपत्ति को, तूफानों को देखकर, तेरे अग्नि को देखकर, ओ तेरे आंसुओं को देखकर, मैंने तेरी पीड़ा को देखकर, मैंने स्वर्ग में एक द्वार खोल दिया है। ओ द्वार यीशु मसीह है, ओ डोर यीशु मसीह है, ओ दरवाजा यीशु मसीह है, ओ राज यीशु मसीह तेरे जीवन में आ रहा है। आज यीशु मसीह तेरे बच्चों में आ रहा है, आज यीशु मसीह तेरे माता पिता में आ रहा है, आज यीशु मसीह तेरे भाई बहन में आ रहा है, आज यीशु मसीह तेरे पैसे में आ रहा है, आज यीशु मसीह तेरे हाथ के कामों में आ रहा है, आज यीशु मसीह ओ किसके तो भी शिक्षण में, एजुकेशन में आ रहा है, और वो तुझे ब्लेसिंग में से ब्लेसिंग दिए जा रहा है, वो तुझे आशीर्वाद दिए जा रहा है, वो तेरी परिस्थिति को बदल डालेगा। वो आज मुझे बताने दीजिए, जो ये वचन तू सुन रहा है, तू सुन रहा है, वो तेरी परिस्थिति बदल डालेगा, क्योंकि उसने तेरे लिए स्वर्ग में एक द्वार खोल दिया है, और वो द्वार यीशु मसीह है, खोल दिया है उसने, खोल दिया है। और जब परमेश्वर खुदा यीशु के नाम से दरवाजा खोलता है, ये पृथ्वी पर ओ कौन सा भी सैतान, लूसिफर, कौन सा भी बड़ा व्यक्ति, किसका भी नाम लो, यदि परमेश्वर दरवाजा खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता। आज परमेश्वर तुझसे कहते हैं मत डर, मैंने तेरे लिए द्वार खोला है। किसने नहीं, अगर दुनिया ने खोला रहता, तेरे बॉस ने, अधिकारी ने खोला रहता, तेरे रिश्तेदार भाई बहन, तेरे दोस्तों ने, करीबी लोगों ने, तेरे घर वाले बाहर वाले लोगों ने खोला रहता, वो कभी भी बंद कर सकते थे,
सैतान बंद कर सकता था, कोई भी बड़ा व्यक्ति बंद कर सकता था, कोई भी दुनिया की बड़ी ताकत बंद कर सकती, लेकिन दुनिया बनाने वाले ने तेरे लिए द्वार खोला है, वो ब्लेसिंग का द्वार खोला है। तेरे दुख के दिन खत्म हो गए, तेरे बीमारी के दिन खत्म हो गए, तेरे विपत्ति के दिन खत्म हो गए, तेरे रोने के दिन खत्म हो गए, तेरे बच्चों के शर्मने के दिन, तेरे बच्चों के गिरने के दिन, तेरे बच्चों के मरने के दिन खत्म हो गए। परमेश्वर कहता है आज से मैं तेरे बच्चों को उठाऊंगा, आज से मैं तेरे कारोबार को उठाऊंगा, आज से मैं तेरे बिजनेस को उठाऊंगा, आज से मैं तेरे माता पिताओं को उठाऊंगा, आज से मैं तेरे पति पत्नी को उठाऊंगा, आज से मैं तेरे घर को उठाऊंगा। ओ परमेश्वर कहता है, जलन रखने वाला परमेश्वर कहता है, जिसने तुझे तकलीफ दिया है, जिसने तुझे अग्नि में मुसीबत में डाला है, ओ मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है ओ उनका परिस्थिति, उनका नतीजा, ओ तू तेरे आग के सामने मैं तुझे दिखाऊंगा, ओ तेरे सारे शत्रुओं के बीच मैं तुझे ताट बिछाऊंगा, ओ मैं तुझे मेज की थाली बिछाऊंगा। ओ परमेश्वर कहता है सब आशीषों से मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा। ओ परमेश्वर कहता है किसको तो भी सब ब्लेसिंग में से ब्लेसिंग दूंगा। डर मत, खुदा तेरे साथ है, डर मत। आज खुदा ने तेरा हाथ पकड़ा है, लोगों ने हाथ पकड़ा रहता तो कभी भी छोड़ सकता था। आज लोगों का हाथ कमजोर है, ये दुनिया में किसी का भी नाम लो, ओ किसी का भी नाम लो, किसी का भी नाम लो, ओ किसी का भी अपने बच्चों का नाम लो, या माता पिता या पति पत्नी या बॉस का, कंपनी का, एजुकेशन का, पैसों का, या बड़े व्यक्ति का, किसका भी नाम लो, सब आज छोटे, लेकिन गिनती की किताब में, नंबर्स की किताब में, गणना की किताब में परमेश्वर कहता है तेरे परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया क्या, छोटा हो गया क्या। ओ परमेश्वर का हाथ कभी छोटा नहीं होता, क्योंकि उसका हाथ ने सब कुछ बनाया है। ओ परमेश्वर है, और वो कहता है देख मैंने तेरे लिए दरवाजा खोल दिया है, तेरे लिए दरवाजा खोल दिया है। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, तेरे लिए परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया है। रो मत, किसी मनुष्य के ऊपर मत देख, उससे पास आस मत रख, सहायता नहीं मिलेगी। कोई तुझे ये दुनिया में, ये धरती में कोई तुझे मदद नहीं करेगा। परमेश्वर इसलिए कहते हैं देख तेरी सहायता नीचे से नहीं, धरती से नहीं, पृथ्वी के ऊपर से नहीं, देख मैंने तेरे लिए स्वर्ग में एक द्वार खोल दिया है, एक द्वार खोल दिया है, एक द्वार। वो एक द्वार का नाम है यीशु मसीह। उस यीशु मसीह के नाम ने हर एक घुटना टेकता है। वो यीशु के नाम में जो परमेश्वर ने स्वर्ग से द्वार खोला है, वो यीशु द्वार है, और यीशु के नाम में तेरे सब पाप धुल जाएंगे, यीशु के नाम में तेरी सारी बीमारियां चंगी हो जाएगी, यीशु के नाम में तेरा सारा कर्ज ठीक हो जाएगा, यीशु के नाम में तेरी सारी विपत्ति आंसू निकल जाएंगे, यीशु के नाम में तेरा जो घराना और तू गिरा हुआ है उठ खड़ा हो जाएगा। आज जो तू शर्मंदगी में, आज जो तू लज्जा में है, परमेश्वर कहता है यीशु के नाम में जो मैंने द्वार खोला है, वो यीशु के नाम तुझे महिमा से महिमा में लेके जाएगा, वो यीशु का नाम तुझे महिमा से महिमा में लेके जाएगा। आज तू लज्जा में, तू बोलेगा कभी भी मैं गिर सकता हूं, गिर सकती हूं, कभी भी मेरा मुंह काला हो सकता है, कभी भी हम और हमारा घराना गिर सकता है। परमेश्वर कहते हैं नहीं गिरेगा। आज ये वचन इसलिए मैंने तेरे लिए ये दास के द्वारा भेजा है, नहीं गिरेगा। परमेश्वर कहता है मैंने तेरा मुंह काला होने के लिए नहीं बुलाया है, मैं तुझे लज्जित फजित होने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर कहता है जब तक तू ये दुनिया में देखेगी, ये दुनिया के ऊपर भरोसा रखेगी, दुनिया की बातों के ऊपर, दुनिया से सहायता करने के लिए भरोसा रखेगी, तू लज्जित फजित हो जाएगी। हालेलुया, तब तेरा मुंह लज्जा से काला गिर जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तू मेरे पास देखेगी, मैं तेरा मुंह लज्जा से कभी काला नहीं गिरने दूंगा। हालेलुया, मैं देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल दिया है, एक द्वार खोल दिया है, खोल दिया है, खोल दिया है उसने, वो खोलने वाला ने खोल दिया है, खोल दिया है, खोल दिया है। आज जो भी तेरी मुसीबत है, दुख है ना, उसका आज दी एंड है, आज खत्म हो गई हो, आज विश्वास से तू घर जा, आज विश्वास से घर जा, आज विश्वास से घर जा। ये वचन सुन रही है, सुन रहा है, विश्वास से घर जा, तेरी बीमारी खत्म हो गई, जड़ से खत्म हो गई, ओ तेरी बीमारी डायबिटीज शुगर खत्म हो गई पूरी तरह से। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ने चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है, वो अभिषेक दिया है, वो सहायता की है, वो पैसे का दरवाजा खोल दिया है। हाँ, ये पैसे का दरवाजा खोल दिया है,
पैसे का दरवाजा खोल दिया है, जिसको काम नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, दरवाजा खोल दिया है, जिसको घर नहीं है, कार नहीं है, दरवाजा खोल दिया है, जिनका शादी नहीं हो गया वो दरवाजा खोल दिया है, राइट लाइफ पार्टनर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, ओ तुम्हारा काम आ रहा है, तुम्हारी गाड़ी आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, कोई तो भी कहिए बाजू वाले को, परमेश्वर मुझे आशीर्वाद दिए जा रहा है। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चौथे अध्याय पहले वचन में परमेश्वर कहता है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। हालेलुया, स्वर्ग में एक द्वार खुला है। हाँ, नीचे मत देख, नीचे देखेगा ना तू नीचे ही रहेगा। नीचे मत देख, किसको तो भी बोलिए नीचे मत देख। आज तलक मैं ऐसा हूं ना क्योंकि मैं नीचे देखते आया हूं, हमेशा लोगों के पास सहायता। खुदा के हृदय के करीबी व्यक्ति राजा दाऊद कहता है, मैं अपनी दृष्टि वो पर्वत के ओर लगाता हूं जिसके ओर से मुझे सहायता मिलते, जो आकाश और धरती का बनाने वाला परमेश्वर है उस परमेश्वर की ओर से मुझे सहायता मिलते है। वो कहता है मैं नीचे नहीं देखता हूं, कोई भी रेंदे, मेरी पत्नी रेंदे, बच्चे रेंदे छोड़ डालेंगे, मेरे माता पिता रेंदे, भाई बहन रेंदे छोड़ डालेंगे, कोई सहायता नहीं करेगा, कोई राजा कोई मंत्री सहायता नहीं करेगा, ना शाऊल राजा ना कोई। वो कहता है मैं अपनी दृष्टि और पर्वत के ओर लगाता हूं, मैं ऊपर लगाता हूं, जो प्रकाशित वाक्य में चौथा अध्याय पहले वचन में खुदा आगे लिख दिखता है, और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना वही कहता है, या ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। खुदा कहता है तू ऊपर आ जा, तू ऊपर देख, अपनी दृष्टि ऊपर कर। जब तू अपनी दृष्टि ऊपर करेगा, ऊपर मतलब परमेश्वर के ओर, ओ दुनिया बनाने वाले के ओर, तुझे बनाने वाले के ओर, तेरा बिजनेस कारोबार बनाने वाले के ओर, ओ जो आरोग्य का उगम है, ओ जो चंगाई का उगम है, जो हर एक ब्लेसिंग का उगम है, जो हर एक आशीर्वाद उसके हाथ से छूटता है, ऊपर देख, ऊपर देख। तू जब भी ऊपर देखेगा ना, ओ परमेश्वर का मुख का प्रकाश तुझ तेरे मुख पर आ जाएगा और तू चमकेगा। यह दुनिया में कोई तुझे नहीं चमकाएगा, यह दुनिया में कोई तुझे ऊपर नहीं लेके जाएगा, बढ़ोतरी में से बढ़ोतरी में, कोई तेरा अच्छा नहीं सोचेगा। वो परमेश्वर है जिसने तेरा अच्छा करने का सोचा है, और वो कहते तू तब देखेगा, तू तब देखेगी जब तू ऊपर आएगा मेरे पास, ऊपर आएगी मेरे पास, ऊपर देखेगी। ऊपर मतलब तेरी सहायता के लिए परमेश्वर की ओर देखेगा, परमेश्वर की ओर देखेगी। जब जब तू नीचे देखेगी, नीचे देखेगा ना, तू लज्जित फजित हो जाएगी। हालेलुया, मनुष्य का सहायता तुझे छुटकारा नहीं देगा पूरी तरह से। हालेलुया, मनुष्य का हाथ तुझे पूरी तरह से बाहर नहीं निकालेगा। हालेलुया, परमेश्वर आज जो भी तू पीड़ा में से परिस्थिति में से जा रहा है, परमेश्वर तुझे पूरी तरह से बाहर निकलने चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तू आधा मनुष्य की ओर आधा परमेश्वर की ओर देखती है, तो आधा मनुष्य की ओर और आधा परमेश्वर की ओर देखते हैं, आधा जग के ऊपर, काम के ऊपर, पैसे के ऊपर, मेहनत के ऊपर, डिग्री के ऊपर, लोगों के ऊपर देखती है और आधा परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर कहते हैं नहीं, तू मेरे पास आ, ऊपर दृष्टि कर, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल दिया है। वो कुछ नहीं करेगा, उसने यीशु को दिया है, वो यीशु को उसने दिया, यीशु क्रूस के ऊपर मर गया हमारे बीमारी के लिए, वो यीशु ने उसका बदन दिया, हमें चंगाई मिले उसने दिया है, वो दरवाजा खोल दिया है चंगाई का, सिर्फ तुझे ऊपर देखने का है, तुझे सहायता के लिए ऊपर देखने का है। ओ बाइबल कहता है यीशु अमीर होते हुए, धनवान होते हुए, वो रिच होते हुए वो कंगाल बन गया, ताकि हम उसकी दरिद्री से, उसके कंगालपन से हम अमीर बन सके, हम प्रॉस्पेरिटी में जाए। हालेलुया, ओ तेरा बिजनेस कारोबार नहीं, जब तलक ऊपर से तुझे नहीं मिलेगा, नीचे से ये धरती के ऊपर तुझे कोई नहीं देगा। और परमेश्वर ने द्वार खोल दिया है, यीशु मसीह को दिया है क्रॉस के ऊपर। हालेलुया, ओ प्रॉस्पेरिटी का, पैसे का, बढ़ोतरी का, समृद्धि का उसने द्वार खोल दिया है। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है तू कर्जे में या गरीबी में रहे, वो श्राप है, वो खुदा के तरफ से नहीं है। कोई मां बाप नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चा कर्जे में, गरीबी में रहे, शाप में रहे, पीड़ा में रहे, अग्नि में रहे।
हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये मां बाप दुनिया के छोड़ सकते लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैंने स्वर्ग से एक द्वार खोला है, वो द्वार यीशु मसीह, मैंने यीशु को दिया है। डर मत रो मत, डर मत रो मत, डर मत रो मत, वो द्वार खोल दिया है। वो कभी तुझे मिलेगा मालूम है क्या? जब तू ऊपर आके लगाएगी, जब तू अब ऊपर दृष्टि करेगी, जब तू ऊपर आएगा परमेश्वर के पास आएगा। जैसा एलिया ने कहा अब राजा को जा, दुष्काल था, फैमिन था, 3.5 साल बारिश नहीं गिरी, और एलिया जो हमेशा पर्वत की चोटी के ऊपर रहने का, परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर के हुजूर में रहने का, जो परमेश्वर के साथ साथ चलने का, परमेश्वर से बातें करने का, परमेश्वर के प्रेजेंस में रहने का, और एलिया ने आप राजा इज़राइल के राजा से जाकर कहा जा तू जल्दी से जा, बहुत बड़ी बारिश आने वाली है। देखो 3.5 साल बारिश नहीं हुई, फैमिन था, दुष्काल था, हालेलुया 3.5 साल। वो आज कितने साल हो गए आपके ऊपर ब्लेसिंग की बारिश नहीं गिरी, चंगाई की बारिश नहीं गिरी, छुटकारे की बारिश नहीं गिरी, तुम्हारी इच्छा पूरी होने की बारिश नहीं गिरी, तुम्हारे आनंद की बारिश नहीं हुई, तुम्हारे बच्चों का आनंद का बारिश नहीं हुआ। हालेलुया कितने साल हो गए तुम्हारे पति पत्नी के नाते में फैमिन है, दुष्काल है। आज परमेश्वर कहते हो मैं बारिश बरसाऊंगा। आज ये दास के द्वारा, ये एलिया के द्वारा परमेश्वर कहते मैं बारिश बरसाऊंगा, मैं बारिश बरसाऊंगा। रो मत, आज का वचन है रो मत, डर मत, मैंने तेरे लिए स्वर्ग से द्वार खोल दिया है, वो द्वार यीशु मसीह परमेश्वर कहते मैंने दिया है। सिर्फ अपने आंखें ऊपर लगा, तू ऊपर आ जा, मतलब जो बातें मैंने ये पूरी होने के लिए लिखा है ना, मैं दिखाऊंगा, वो तुझे मिलेगा, वो मिलेगी तुझे बातें। कितने साल हो गए आज फैमिन में जा रहा है, आज दुष्काल में जा रहा है, दुष्काल सब बाजू दुष्काल, मेरे बच्चों में फैमिन है, दुष्काल है, कुछ अच्छी बातें नहीं, पैदा होने से अभी तक कुछ अच्छी बातें नहीं, कुछ अच्छी बातें, तुम्हारे भी जीवन में दुष्काल हो, फैमिन रहा हो, तुम बोलेंगे जब से मैं समझ पाता हूं, खड़ा हूं, तब से मैंने कोई भी आप अच्छी नहीं देखी, आज मुझे आनंद की बातें बताने दीजिए, आज से वो फैमिन खत्म हो गया। हालेलुया आज से वो फैमिन खत्म होगा, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग से द्वार तेरे लिए खोल दिया है, परमेश्वर ने खोल दिया है, यीशु को दिया है, यीशु तेरा आंसर है, यीशु तेरा आंसर है, पास्टर नहीं, यीशु तेरा आंसर है, यीशु तेरा उत्तर है, यीशु तेरा आरोग्य है, यीशु तेरा हीलिंग है, यीशु तेरी चंगाई है, यीशु तेरा डिलीवरेंस है, छुटकारा है। मत डर, सिर्फ अपने आंखें ऊपर लगा, ऊपर आज परमेश्वर कहते हैं, नीचे मत रहे, लोगों में मत रहे। आज जिन लोगों के साथ तू चलता फिरता उठता बढ़ता, वो तूने पढ़ाई किया, काम किया, रिश्तेदार भाई बहन, तेरे माता पिता भाई बहन करीबी या दूर के कोई भी रहने दे, तू मत रहे। परमेश्वर कहता है मैं ही तुझे ऊपर लेके जाऊंगा, मैं ही तुझे बचाऊंगा, मैं ही तुझे छुटकारा दूंगा, मैं ही तुझे चंगाई दूंगा, मैं ही तुझे ब्लेसिंग दूंगा, तू मेरे पास ऊपर आ। हालेलुया आज तक लोगों ने तुझे नीचा रखा है, लोगों ने कहा है तू नहीं कर सकता, तू कैपेबल नहीं है, तू ऐसा है, तू वैसी है, तू नहीं कर सकता, नहीं है तू ऐसा है, नहीं नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है लोगों के मध्य मत रहे, मत रहे, लोगों का हाथ छोटा है, लोग तुझे नहीं ऊंचाई पर लेके जा सकते। ओ पवित्रता में, शुद्धता में, ओ आशीर्वाद में, देख आज तक कितने सालों तूने गंवाए है, तेरे फैमिली ने कितने सालों गवाए, रिश्तेदारों का सुन के, फैमिली का सुन के, करीबी लोगों का, दोस्तों का, वो मित्र लोगों में रह के सुन के। परमेश्वर कहते हैं अभी वो दिन खत्म हो गए, ओ मैंने स्वर्ग में द्वार खोल दिया है, मैंने यीशु मसीह को दिया है। परमेश्वर कहता है मेरे पास ऊपर आ, जो बातें अभी पूरी होना अवश्य है मैं तुझे दिखाऊंगा, जो अवश्य है, बारिश गिरेंगी। एलिया ने कहा फैमिन है 3.5 साल, बारिश नहीं गिरा, मैं कहता हूं आप जा, बारिश गिरेगी। उसने कहा अब राजा को, हालेलुया। और बाइबल कहता है वो पर्वत के चोटी पर गया और प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर को पुकारने लगा। उसने उसके एक चाकर को भेजा, दास को भेजा, सर्वेंट को, जा और देख बारिश, एक ढग आ रहा है क्या, क्लाउड आ रहा है क्या बारिश का। वो पहली बार गया, बोला नहीं आ रहा, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं। ओ मैं तुमसे कहता हूं कितने हो गया आज तुमने सिर्फ नहीं नहीं नहीं, नो 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 वैकेंसी,
सब दरवाजे बंद, बैंक में जाओ दरवाजे बंद, काम में जाओ दरवाजे बंद, बिजनेस में जाओ दरवाजे बंद, सब अच्छे कामों के लिए दरवाजे बंद, सब बाजू दुष्काल, सब बाजू फैमिन है। परमेश्वर कहता है एलिया के जैसा तू पर्वत के चोटी पर जा, पहाड़ के चोटी पर जा और मुझसे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, मुझे आवाज दे, मैं दौड़ा चलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज तुम्हारे सब दरवाजे बंद है, खुशियों की बारिश नहीं है, खुशियों की बारिश नहीं है, ओ बरकतों की, आनंद की, चंगाई की, ब्लेसिंग की, अच्छे रिलेशन की, अच्छे फैमिली की, घर की बारिश नहीं है। परमेश्वर कहते हैं मत डर, ऊपर आ मेरे पास, ये नीचे से सहायता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी नीचे से सहायता। ओ जब तक खुदा नहीं ना देता, इसलिए कहते हैं मैंने स्वर्ग में तेरे लिए द्वार खोला है, ऊपर से तेरा ब्लेसिंग ऊपर से आएगा, तेरा प्रमोशन ऊपर से आएगा, तेरा परमेश्वर से आएगा। ओ तेरे बच्चों की बढ़ती ब्लेसिंग, तेरे बच्चों का ऊंचा होना, तेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होना परमेश्वर से, परमेश्वर की ओर से आएगा। तेरे माता पिता, तेरे भाई बहन, तेरे पति पत्नी का, तेरे पैसे का, तेरे काम का, वो परमेश्वर की ओर से आएगा। इसलिए तो वो कहता है ऊपर आ मेरे पास, जो बातें पूरी होना अवश्य है उधर मैं तुझे दिखाऊंगा, नीचे नहीं। लोगों के बीच रहेंगे ना, उनका अविश्वास वो तुम्हारे में डालेंगे, उनका भय वो तुम्हारे में डालेंगे, उनका पाप वो तुम्हारे में डालेंगे, उनका गुस्सा वो तुम में डालेंगे, उनकी अपवित्रता तुम में डालेंगे, उनका देखना, उनका बोलना, उनका सोचना, उनका सुनना, उनका उठना बैठना वो तुम्हारे में डालेंगे। परमेश्वर इसलिए कहते वो सब अपरिपूर्ण है, वो खुद होके खुद को भी बचा नहीं सकते, उनके बच्चों को, माता पिता, भाई बहनों को भी बचा नहीं सकते, लेकिन एक ही परमेश्वर है, एक ही द्वार मैंने स्वर से खोला है, वो द्वार यीशु मसीह है। और परमेश्वर कहता है तू ऊपर हो, यीशु मसीह के पास आ, ऊपर देख, यीशु मसीह को मैंने तेरे लिए भेजा है वो द्वार, वो दरवाजा, दूसरा तीसरा कोई नहीं, एक ही नाम, एक ही द्वार परमेश्वर ने आकाश के नीचे या धरती के ऊपर और धरती के नीचे दिया, वो नाम यीशु मसीह, एक ही द्वार जो मार्ग सत्य जीवन है, एक ही द्वार जो कहता है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, एक ही द्वार जिसका नाम इम्मानुएल, जो परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे संग है, जो यहोवा शामा है, एक ही नाम, हालेलुया। वो कहता है जो बातें पूरी होना अवश्य ना मैं तुझे दिखाऊंगा, ऊपर आ। आज कौन सा भी दुष्काल हो, कौन सा भी, कौन सी भी विपत्ति, कौन सी भी, कितनी भी बड़ी हो, अगर तुम्हें बाहर निकलने का है, तुम्हें ब्लेसिंग मांगता है, आज यीशु के पास विश्वास करो, यीशु तुम्हें ब्लेसिंग देने के लिए आया, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तुम्हें ब्लेसिंग देने के लिए, यीशु छुटकारा देने के लिए, यीशु इसलिए खुद क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन जी उठा, आज उसका लहू तुम्हें बचाएगा, उसका लहू तुम्हें बचाएगा, यीशु का लहू, यीशु का नाम तुम्हें बचाएगा। वो कहता है मत डर, मत डर, तू नीचे मत रे, तू बाहर आ, तू बाहर आ, तू बाहर आ। अब्राम, अब्राम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, जैसा आज वो आपको दर्शन दे रहा है, आज ये सेवक के द्वारा, ये वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपको दर्शन दे रहा है, मतलब आपसे बात कर रहा है, मैं तेरा फैमिन मिटाऊंगा, तेरी बीमारी मिटाऊंगा, तेरे बच्चों का टेंशन मिटाऊंगा, तेरे घर का टेंशन, तेरे माता पिता, भाई बहन, तेरे पति पत्नी का टेंशन मिटाऊंगा, तेरे काम का टेंशन मैं मिटाऊंगा, मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा। अब्राम को बोला, मैं, परमेश्वर बोला, मैं तुझे बच्चा दूंगा, हालेलुया, मैं तुझे, तेरा नाम बड़ा करूंगा, मैं तुझे बहुत ब्लेसिंग दूंगा। और अब्राम बोला, खुदा तू मुझे क्या देगा, एक बच्चा भी मेरे पास नहीं है, मेरा सर्वेंट, मेरा चाकर, मेरा नौकर, वो मेरे प्रॉपर्टी का वारिस बन जाएगा, एक बच्चा भी तूने मुझे नहीं दिया, फैमिन में जा रहा था। आज तुम्हारा अलग अलग फैमिन हो, किसको पैसे का, किसको बीमारी का, किसको लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा, किसको बच्चों का, या फैमिली रिश्ता ठीक नहीं है, पति पत्नी का, या मां बाप का, भाई बहनों का, सब गिर गया है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बच्चा दूंगा। परमेश्वर ने अब्राम को हाथ पकड़ा, जेनेसिस उत्पत्ति की किताब में 15वें अध्याय में 15 चैप्टर में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राम का हाथ पकड़ा और उसको बाहर लेके आया, और रात थी और परमेश्वर ने उसको कहा देख ऊपर दृष्टि लगा। परमेश्वर ने उसको ऊपर दृष्टि करने के लिए, क्योंकि अब्राम जो डेरा में था ना, तंबू में था ना,
वो तंबू में सब परिस्थिति थी, वो उसकी बीवी को देखने का बूढ़ी हो गई है, कुछ आप आशा नहीं है, गारंटी नहीं है, कुछ नहीं, खुद को देखने का वो भी बूढ़ा हो गया है, कुछ नहीं है डेरे में तंबू में। आज हम कौन से तंबू में है? काम के टेंशन के, घर में बच्चों को देखते कुछ अच्छा नहीं, माता पिता को देखते कुछ अच्छा नहीं, भाई बहन को देखते, पति पत्नी को, खुद को देखते, खुद के एजुकेशन को या फ्यूचर को या बिजनेस को, काम को, कुछ नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया मालूम है क्या? उसको डेरे से, वो तंबू में से बाहर निकाला। आज भी परमेश्वर इसलिए कहता है ऊपर देख। और बाहर निकल के उसने आकाश के ओर उसको दृष्टि लगा को कहा और कहा, ये तारे, ये स्टार तू गिन सकता है तो गिन, इतने में तेरी संतति करूंगा, इतने में तेरे मैं तुझे बच्चे दूंगा, इतनी संतति दूंगा। हालेलुया। गिन सकता है तो गिन। कोई आकाश के, वो ये आकाश के तारे गिन सकता है, स्टार गिन सकता है? परमेश्वर कहता है इतनी में दूंगा, लेकिन तू दृष्टि ऊपर कर। नीचे देखेगा ना तेरे डेरा में, तेरे तंबू में कुछ नहीं। हाँ, आज तुम नीचे देखते हो ना, प्रार्थना किया, स्तुति किया, चर्च में आप यीशु का नाम लिया, वापिस वो तंबू को देख के, वो परिस्थिति, वो सिचुएशन, वो काम, वो टेंशन को देख के वापिस गिर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर को मत डर, मेरा बाइबल ले, मेरा बाइबल खोल के पढ़, मेरा वचन मैं हूं, मेरा वचन को मैंने मेरे नाम से बढ़ाया है। यह आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन नहीं टलेगा। ये मेरा वचन पे भरोसा रख, ये पढ़ और उसके ऊपर मनन कर, विश्वास रख। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने आहाब राजा, इज़राइल के राजा को कहा, 3.5 साल बारिश नहीं थी, वो बोला जा बारिश गिर जाएगा। और अब एलिया पर्वत की चोटी की ओर गया और परमेश्वर की ओर देखने लगा, वो बारिश के लिए परमेश्वर की ओर देखने लगा। उसको मालूम था बारिश किधर से नहीं आएगी, किधर से नहीं आएगी। वो आज तुम्हारे जीवन में बारिश किधर से नहीं आएगी? तुम्हारे बच्चों का अच्छा करना, तुम्हारे माता पिता, भाई बहनों का, पति पत्नी का, बिजनेस का, तुम्हारे सब कुछ का, सब कुछ का, सब कुछ का अच्छा करना किधर से नहीं आएगा? एलिया ने बारिश के लिए ऊपर आके दृष्टि की, पर्वत के चोटी पर गया, प्रार्थना करने लगा। उसने चाकर को भेजा, सर्वन को, जा देख बारिश आ रहा है क्या। हालेलुया। एक बार नहीं आया, दो बार नहीं, छह बार नहीं, और उसने वापिस भेजा, जा पहली बार नहीं, जा वापिस जा, मैंने दृष्टि पर्वत की ओर लगाया है, मैं वो परमेश्वर के पास देखता हूं जिसने प्रॉमिस किया है, वायदा किया है, अभी वचन दिया है। वो इंसान नहीं है जो फेल करेगा। आज ये प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया है, वो फेल नहीं करेगा। लेकिन तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम पर्वत के चोटी पे जाओ, वो मतलब परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर के प्रेजेंस में जाओ, परमेश्वर के हुजूरी में जाओ, परमेश्वर को ढूंढो। वो कहते हैं मुझे ढूंढ, मैं तुझे मिलूंगा, मुझे मांग, मैं तुझे मैं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति आराधना करो। ये परिस्थिति, ये टेंशन बोलते मत बैठो, वो परिस्थिति टेंशन देखते मत बैठो। हालेलुया। ओ अविश्वासुजन, डरने वाले लोग रहे, उनसे बाहर निकलो। और जो कोई तो भी परमेश्वर की ओर, यीशु की ओर, वचन की ओर, पवित्र आत्मा की ओर भरोसा रखता है उसके पास जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अपना तंबू बदल दीजिए, अपना पत्ता, अपना एड्रेस बदल दीजिए। हालेलुया। उन लोगों से थोड़ा बाहर निकलो। परमेश्वर ने अब्राम को बाहर निकाला और ऊपर दृष्टि करने को बोला और बोले ये तारे गिन सकता है तो गिन, इतनी मैं तुझे संतति दूंगा। और जो वायदा परमेश्वर ने किया ना, वो पूरा किया। आज जो भी वायदा वो आपसे करना चाहता है ना, वो पूरा करेगा। और वो पूरा करने के लिए प्रकाशित वाक्य 4:1 में वो कहता है तू ऊपर आ मेरे पास। जो अब्राम का परमेश्वर यीशु में, मैं वही तेरा परमेश्वर हूं। मैंने चुना है जैसे अब्राम को चुना कि मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, तुझसे बड़ी जाति, अन्य अन्य बहुत जातियों को मैं निर्माण करूंगा। जो तुझे आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे शाप देगा मैं उन्हें शाप दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं तेरे कुल के द्वारे पूरे दुनिया को मैं आशीर्वाद दूंगा। वही अब्राम का परमेश्वर यीशु मसीह में आपका परमेश्वर है। वो कहता है लेकिन जो अब्राम को मैंने तंबू में से बाहर निकाला और अपने आंखें, अपनी दृष्टि ऊपर करने को लगाया, आज वो मैं, कल, आज, युगानुग, एक जैसा बदलने, एक जैसा परमेश्वर हूं जो कभी बदलता नहीं। वो परमेश्वर कहता है जो अब्राम का परमेश्वर, वही तुझसे कहता है ऊपर देख, ऊपर आ। प्रकाशित वाक्य 4:1 में मैंने स्वर्ग में तेरे लिए दरवाजा खोल दिया है। एलिया भी ऊपर गया, प्रार्थना करने लगा और बारिश आया। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। आज अब्राम ने उसके जीवन में परमेश्वर का प्रॉमिस वायदा ब्लेसिंग पूरी होते हुए देखा। एलिया ने उसके जीवन में बारिश आते हुए देखा। आज परमेश्वर कहते हैं तू देखना चाहता है क्या? मैं दिखाना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 4:1 में मैं दिखाना चाहता हूं जो जो वायदा, जो जो प्रॉमिस, जो जो अभिवचन, जो जो मैंने तुझसे प्रॉमिस कहे वो मैं पूरी करना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है तू ऊपर मेरे पास आ, जब तक तू ऊपर मेरे पास नहीं आएगा तब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा। तू जितना देर करेगा, लेट करेगी ना, उतना लेट हो जाएगा, देर होती जाएगी। लेट मत कर, परमेश्वर कहता है बहुत लेट हो गया, तूने बहुत लेट किया, बहुत लेट हो गया है, बस बस अभी आलस छोड़ दे। लोगों के पास रोना कुड़कुड़ाना, लोगों के पास मदद सहायता देखना, रिश्तेदार भाई बहन, बॉस, मालिक, कोई भी रहो बड़ा व्यक्ति, छोड़ दे और ऊपर मेरे पास आ। ऊपर मेरे पास मतलब जो वचन को मैंने मेरे नाम से बड़ा किया, मेरे वचन में आ जा। अगर तू मेरे वचन में रहेगा और मेरा वचन तुझ में रहेगा ना, तू हजारों गुना फल लाएगा। परमेश्वर कहते हैं जो आज तू है ना, उससे हजारों गुना मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं बड़ा करूंगा, फलवंत करूंगा, क्योंकि मेरी इच्छा है तू फलवंत हो। तुझे फलवंत करने के लिए मैंने स्वर्ग से द्वार खोला, यीशु मसीह को दिया। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी अनुवाद 32 चैप्टर और 48-49 में परमेश्वर ने मूसा से कहा। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर जो मोआब देश में यरियो के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसे मैं इज़राइलों की निज भूमि कर देता हूं उनको देख ले। हालेलुया, हालेलुया। हां, परमेश्वर ने मूसा से कहा। हालेलुया, वो अबारीम पहाड़ के नमो नामक चोटी पर, हालेलुया, जो यरियो के सामने चढ़कर कनान देश जिसे मैंने इज़राइलों की निज भूमि कर दिया देता हूं उसको देख ले। जो प्रॉमिस मैंने दे दिया है इज़राइलियों को, जो वायदा किया है, जो कनान देश देने का, वो जो कनान देश जहां दूध और मधु की नदियां बहती है, हाँ, जिधर के पत्थर भी लोह देते, लोखंड देते, आयन देते। हालेलुया, हालेलुया। जो वायदा परमेश्वर ने किया था प्रॉमिस लैंड में, कनान देश में लेके जाने का, परमेश्वर कहा तू नीचे से नहीं दे सकता। तू आज जो जो अच्छी अच्छी बातें कही है परमेश्वर ने, परमेश्वर कहते तू नीचे से नहीं देख सकता, तू नीचे से नहीं देख सकती है पृथ्वी के ऊपर। तुझे देखना है तो परमेश्वर के वचन में आ जा, परमेश्वर के हुजूरी में आ जा, परमेश्वर के सम्मुख आ जा, परमेश्वर के सामने आ जा। और वो कहता है मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। अगर आपको देखना है वो कनान देश जो परमेश्वर देना चाहता है, वो जो अच्छी भूमि परमेश्वर देना चाहता है, जो अच्छा भविष्य परमेश्वर करना चाहता है, आपका, आपका घराने का, आपके बिजनेस का, कारोबार का, सब कुछ का जो परमेश्वर अच्छा करना चाहता है, परमेश्वर कहता है तू नीचे, तू लोगों में रहकर, वो तेरे एजुकेशन तुझ में रहकर नहीं कर सकता, तू ऊपर मेरे वचन में आ जा, यीशु में आ जा, वचन के ऊपर भरोसा रख। सब छोड़ देंगे, सब फंसाएंगे, सब धोखा देंगे, मेरा वचन तुझे धोखा नहीं देगा। हालेलुया, मेरे देवदूत को मैं आगे भेजूंगा, ओ प्रॉमिस लैंड, जो वायदा, जो प्रॉमिस किया है ना तुझे उधर लेके जाने के लिए। हालेलुया, मूसा तू नीचे से नहीं देख सकता, तू छोटी पर आजा, वहां से मैं तुझे दिखाऊंगा। और वहां से दिखाया परमेश्वर ने। आज आप देखना चाहते हैं परमेश्वर का, आज लोग बोलते हैं परमेश्वर ने वचन तो दिया है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो परमेश्वर विलंब नहीं करता, देरी नहीं करता। तू देर कर रहा है, तू देर कर रही है परमेश्वर के पास जाने के लिए, ऊंचाई पर रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। एलिया हमेशा परमेश्वर के ऊंचाई पे, परमेश्वर के सम्मुख रहने का, हुजूर में रहने का, पर्वत के चोटी पर रहने का, और कोई शत्रु उसे पकड़ नहीं सका। हालेलुया, कोई सोल्जर उसे पकड़ नहीं सके, कोई उसे छू नहीं सका। हालेलुया, फैमिन में भी परमेश्वर ने कौओं के द्वारा उसे मटन और रोटी खिलाई। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर के हुजूर में, वचन में, ऊपर परमेश्वर को देखोगे ना, तुम कभी लज्जित फजित नहीं हो गए, कभी तुम है वैसे नहीं रहोगे। हर एक लाल समुंदर तुम्हारे सामने दो भाग हो जाएंगे, हर एक शत्रु गड़प हो जाएंगे जैसे फारो और उसकी सेना गड़प हो गई। हर एक शैतान के कट कारस्तान मंत्र तंत्रों को, शैतानी योजनाओं को दागोन के जैसा सामने गिर पड़ेगा।
हालेलुया, हर एक यरियो की दीवार टूट जाएगी। जो वचन प्रॉमिस लैंड कनान देश में जाने के लिए सबसे बड़ी रुकावटें टूट जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, यरीहो को भी परमेश्वर दो भाग कर देगा। तेरे नाम की बड़ाई जैसे यहोशू की किताब में लिखा है, मैं बड़ा करूंगा सब देश में, सब लोगों के सामने। आज परमेश्वर कहता है किसको, तो भी मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा। लेकिन तू नीचे नहीं देख सकता मूसा, तुझे देखना है वो कनान देश, वो निज भूमि, जो प्रॉमिस मैंने किया है इसराइलों से, मेरे लोगों से, मेरे चुने हुए लोगों से। हाँ, परमेश्वर ने आपसे भी वायदा किया है, प्रॉमिस किया है, आपका भी अच्छा करना चाहता है, आपको प्रमोशन में लेके जाने चाहता है, बढ़ती में लेके जाना चाहता है, चंगाई देना चाहता है। वो आपको बीमारी में, कर्जे में, गरीबी में, दुख में रोते हुए, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा नाता, तुम्हारा घर, तुम्हारा बिजनेस, कारोबार टूट जाने में वो खुश नहीं है। वो तो उसके भक्तों में अच्छा करने के लिए वो खुश रहता है परमेश्वर। हालेलुया, वो नहीं भी देखता है मैं कैसा मेरे बच्चों का अच्छा करूं। हालेलुया, इसलिए दाऊद जो चरवा था, वो अपनी दृष्टि वो परमेश्वर की ओर लगाता था, हमेशा ऊपर जाता था, हमेशा परमेश्वर के भवन में जाता था, परमेश्वर के वचन को देखता था, परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था। वो नीचे की ओर सहायता से नहीं देख सकता, उसको मालूम था चरवाह से मुझे इज़राइल का और यहूदी का राजा बनाने वाला सिर्फ वो परमेश्वर है जिसने स्वर्ग में मेरे लिए दरवाजा खोल दिया है। वो यीशु मसीह है सिर्फ, ओ यीशु मसीह सिर्फ, मेरे पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर, मेरे बीमारी में मेरी चंगाई है यीशु मसीह, मेरे अंधियारे में उजाला है यीशु मसीह, ओ मेरे मुसीबत के समय मेरी चट्टान है यीशु मसीह, मेरे अग्नि के समय वो अग्नि में से छुड़ाने वाला है यीशु मसीह। हालेलुया, मेरी जरूरत के समय मेरी जरूरत को पूरी करने वाला यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति जेनेसिस 22 चैप्टर में 13-14 वचन में परमेश्वर ने अब्राम से कहा, तब अब्राम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सिंगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ था। अतः अब्राम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राम ने उस स्थान का नाम यहोवा इरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यह उत्पत्ति चैप्टर जेनेसिस 22 22 अध्याय आप पढ़ो। परमेश्वर ने अब्राम को देख कहा, तू तेरा एकलौता बेटा जिससे तू बहुत प्यार करता है, तू उसे ले और वो पर्वत पर जाकर मेरे लिए बलि चढ़ा। अब्राम परमेश्वर का सुनने वाला था। आज तुम परमेश्वर का सुनोगे ना, वो आज जो भी परमेश्वर ये वचन के द्वारा कहता है ना, तू ऊपर आ मेरे पास, मैंने स्वर से द्वार खोल दिया, वो द्वार यीशु मसीह, दूसरा तीसरा कोई नहीं। किधर से नहीं सहायता, छुटकारा, चंगाई, क्षमा, तू और तेरा घराना बच जाएगा, तेरा बिजनेस कारोबार बच जाएगा, स्वर्ग में आएगा। किधर से नहीं, एक ही द्वार, एक ही नाम दिया परमेश्वर ने, यीशु दिया है। आज तुम उसका सुनोगे, उससे प्यार करोगे, उसको पहला स्थान देगे, उसके करीब आओगे और उसमें ही रहोगे, उसी के साथ रहोगे, उसके ही देखते रहोगे, मतलब भरोसा उसके राह पर चलोगे। हालेलुया, जैसे अब्राम ने परमेश्वर का सुना। परमेश्वर ने अब्राम से कहा जेनेसिस चैप्टर 22 में, अब्राम तेरे एकलौते बेटे जिससे तू प्यार करता है मेरे लिए आज बलि कर। और अब्राम ने सुना, अब्राम गया वो पर्वत की चोटी की ओर। हाँ, आज परमेश्वर आपसे जो भी मांगता है ना वो दो। यीशु कहते हैं जो मेरे लिए उसके लाइफ की परवाह नहीं करेगा ना, उसका लाइफ उसको बचाया जाएगी, उसका जीवन बचा जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर जो भी कहता है ना, ये बुरी आदत छोड़, ये पाप छोड़, ये व्यसन छोड़, छोड़ दे, तेरे भलाई के लिए कहता है परमेश्वर। कहता है ना, आज तेरी शादी हो गई है, शादी के बाहर अफेयर छोड़ दे, छोड़ दे। परमेश्वर कहता है सिगरेट छोड़ दे, तंबाकू छोड़ दे, वो दारू पीना छोड़ दे, छोड़ दे। परमेश्वर कहता है वो गुस्सा छोड़ दे, वो बुरा है सैतान के तरफ से, वो गुस्से से तेरा जीवन, तेरा घराना गिर सकता है, नाश हो सकता है, गुस्सा छोड़ दे। परमेश्वर कहता ना, इससे उससे बातें करना छोड़ दे, फोन करना छोड़ दे, वो देखना छोड़ दे, गंदी गंदी बातें फेसबुक व्हाट्सएप पर छोड़ दे। परमेश्वर कहता ना, ये इससे ये तेरे को गलत संगति में, गलत पाप में, व्यभिचार जारकम लेके जा रहे, वो फ्रेंड छोड़ दे। हालेलुया, परमेश्वर कहता है ना छोड़ दे। परमेश्वर जो मांगता है ना उसे दो।
क्योंकि परमेश्वर यीशु के पास जब 5 रोटी 2 मछलियां आए ना, 5,000 से ज्यादा लोग खाए। हालेलुया। और 12 टोपली भर गए, बच गए। ओ परमेश्वर के हाथ में तुम दोगे ना, छोड़ दोगे परमेश्वर के लिए? आज किसको तो भी परमेश्वर कह रहा है, यह आदत छोड़ दे, छोड़ दे। परमेश्वर तुझे बचाना चाहता है, वो पाप छोड़ दे, छोड़ दे मेरे वचन के बाहर जाना, वो बाड़ा तोड़ना छोड़ दे, वो कुंपन में, वो बाड़े में रह, उधर तेरी सुरक्षा है, उधर तेरे घराने की सुरक्षा है। परमेश्वर कहता है किसको तो भी, तेरे बच्चों की सुरक्षा है। ओ बाड़ा मेरा वचन है, ओ बाड़ा मेरे पास आना है, ओ बाड़ा मेरे को देखना है, मेरे यीशु को देखना है। ओ दरवाजे जो मैंने तेरे लिए स्वर्ग से खोला है, ओ जो मैं तुझे अवश्य पूरी बात होना है, जो मैंने लिखा है और वो मुझे करने का है, इसलिए तू ऊपर मेरे पास आ। मूसा, ये कनान देश, ये प्रॉमिस लैंड, तू ऊपर आएगा तभी तू देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राम से कहा, तेरा बेटा, एकलौता बेटा जिससे तू प्यार करता है, दे। धन्यवाद हो अब्राम का। परमेश्वर ने अब्राम का, अब्राम ने परमेश्वर का सुना, उसके बेटों को, बेटे को लेके वो पर्वत की ओर गया, नीचे नहीं पर्वत की ओर गया। और बाप 13:14 वचन में लिखा है, तब अब्राम ने आंखें उठाई। हालेलुया। आंखें नीचे की क्या, नीचे देखा क्या? तब अब्राम ने आंखें उठाई। हां, अब्राम परमेश्वर का सुनने वाला व्यक्ति था, अब्राम परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति था, अब्राम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति था, अब्राम उसके जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देने वाला था। और अब्राम का आज्ञा पालन उसका बेटा इसाक भी देखता था, अब्राम के परमेश्वर को इसाक भी देखता था, और इसाक भी उसके उसके पिता अब्राम को मदद करता था। और वो कहता था, मत डर। जब इसाक ने पूछा, डैडी डैडी, छुरा है, लकड़ियां है, अग्नि है, लेकिन होम बलि करने के लिए मेड़ा किधर है, कोकरू किधर है? हालेलुया। और अब्राम ने कहा, परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा। किसको तो भी बोलो, परमेश्वर देगा। ऊपर आंखें लगा, परमेश्वर के ओर जा। ये धरती के ऊपर किसके भी करीब जा, तुझे दुख के सिवा नहीं मिलेगा, तुझे लज्जा के सिवाय नहीं मिलेगा, तुझे बंधन के सिवा नहीं मिलेगा। वो कितना भी तेरे करीबी या व्यक्ति हो, या रिश्तेदार हो, या कोई भी हो। हालेलुया। ओ परमेश्वर के करीब जा, परमेश्वर से दोस्ती कर, परमेश्वर को पहला स्थान दे, परमेश्वर के पास भरोसा रख, परमेश्वर से प्यार कर। और इसाक ने पूछा और अब्राम ने जवाब दिया, परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और अब्राम और इसाक दोनों गए और वहां पर कुछ नहीं था, और अब्राम ने वेदी बांधी, वेदी के ऊपर इसाक को रखा। ओ, जब माँ बाप आज्ञा पालते हैं, बच्चे भी आज्ञा पालते हैं। माँ बाप परमेश्वर से प्यार करते हैं, बच्चे भी करते हैं। माँ बाप परमेश्वर के वचन में भय रखकर वचन में रहते, भवन में रहते, परमेश्वर के दास का सुनते, बच्चे भी करते। अगर माँ बाप पाप करते, माँ बाप परमेश्वर के खिलाफ जाते, माँ बाप परमेश्वर के दास के खिलाफ जाते, माँ बाप चर्च के खिलाफ जाते, माँ बाप पवित्र आत्मा में, वचन में, यीशु के लहू में, यीशु के नाम में नहीं रहते, वो कुंपन, वो बाड़ा वो तोड़ देते, बच्चे भी उनसे 1,000 गुना तोड़ देते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है ड्यूटोनॉमी में, अनुवाद की किताब में, व्यवस्था विरन में, यदि तू मुझसे प्यार करेगा और मेरे राह पर चलेगा, तेरे पीढ़ियां पीढ़ियां, तेरे जनरेशन टू जनरेशन में ब्लेस करूंगा। हालेलुया। ओ परमेश्वर से प्यार करो। अब्राम परमेश्वर से प्यार करता था, वो जो परमेश्वर कहता था वो सुनता था। उधर अब्राम ने वेदी बनाया, वेदी के ऊपर उसके एकलौते बेटे इसाक को दिया, उसने वो छुरा लिया, और जो परमेश्वर ने कहा था, मेरे तेरे बेटे को मेरे लिए दे डाल, और अब्राम उसको मारने वाला था, तब परमेश्वर ने दूत के द्वारा उसे बोला, अब्राम, अब्राम। जब तुम परमेश्वर का सुनते हो ना, परमेश्वर दूतों के द्वारा दूतों को भेजता है। आज तक क्यों नहीं मिला मालूम है कि हम नहीं सुनते? एक ही कारण है, एक ही कारण है। तुम कितना प्रार्थना करते हो, कितना उपास करते हो, कितना बाइबल पढ़ते हो, कितना चर्च में जाते हो, कितना सेवा करते हो, वो मायने नहीं रखता। तुम कितना परमेश्वर का सुनते हो, तुम कितना परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हो, तुम कितना परमेश्वर की योजना को पूरी करते हो। आज बहुत सारे लोग हैं
उपवास करेंगे, सब करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, सेवा करेंगे, चर्च में जाएंगे, कभी कभी वो पास्टर भी बनेंगे, लेकिन परमेश्वर जो कहता है ना वो नहीं सुनता। एक ही कारण है, तुम जितना लेट करोगे, देरी करोगे परमेश्वर के योजना को, वचन को सुनने को, आज्ञा का पालन करने को, उतना देरी लेट हो जाएगा, विलंब हो जाएंगे आपके आशीर्वाद को। हालेलुया। अब्राहम ने देरी नहीं किया, वो जल्दी गया, जैसा परमेश्वर ने करने को कहा उसने रखा, और मारने वाला था परमेश्वर ने कहा अब्राहम अब्राहम मत डर, मत मार, मत हाथ आगे कर, तूने जो ये सुना, तेरे परमेश्वर से ऊपर तू इतना प्यार करता है, इतना सुनता है कि परमेश्वर के लिए, उसके आज्ञा के लिए, उसके योजना के लिए, उसके भय के लिए तूने तेरे एक लौते बेटे को भी रख नहीं छोड़ा। आज परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने के लिए आप क्या करते हो, क्या पीछे रखते हो? आज ये कारण है मैं चर्च नहीं गया, ये कारण है मैं टाइम पे नहीं गया, ये कारण है मैं दशांश नहीं डालता, ये कारण है मैं पवित्र नहीं रह सकता, शुद्ध नहीं रह सकता, ये कारण है मैं मेरे जबान बंद नहीं कर सकता, मैं गंदी गंदी बातें करता हूं, गाला देता हूं, गुस्सा करता हूं, ये कारण है। तुमने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से कितना प्यार करते हो कि परमेश्वर के लिए तुम वो छोड़ देते हो? वो देखता है, वो तभी आशीर्वाद मिलता है, ऐसा ही नहीं मिलता। इसलिए परमेश्वर ने कहा देख मैंने स्वर्ग में तेरे लिए द्वार खोल दिया है, लेकिन तू ऊपर आ, तब जो बातें होना अवश्य है, जो अधूरी बातें जो अभी तक नहीं हुआ है मैं पूरी करूंगा, देख मैंने मेरा काम कर दिया है, मैंने स्वर्ग में द्वार खोल दिया है, अब मैं तुझसे कहता हूं ऊपर आ। मूसा तुझे वचन दत्त भूमि देखने का है, प्रॉमिस लैंड देखने का है, नीचे से नहीं देख सकता, ऊपर आ। हालेलुया। बारिश नहीं है 3.5 साल, इतने सालों से ऊपर आ, परमेश्वर से पुकार, वो बारिश भेजेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अब्राहम ने बाइबल कहता है आंखें ऊपर की, क्या लिखा है 13 में, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेड़ा अपने सिंगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है, तथा अब्राहम ने जाके उस मेड़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, यहोवा के पहाड़ पर ऊपर, आज तक कहा जाता है ओ यहोवा यिरे, यहोवा के पहाड़ पर, नीचे नहीं। उपाय किधर किया जाता है? लोगों का जीवन नहीं बदलते, रिश्तेदार रिश्तेदारों का जीवन नहीं बदलते, ओ मां बाप, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, लोगों का जीवन नहीं बदलते, कोई नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है देख मैंने स्वर्ग में तेरे लिए एक द्वार खोला है, वो द्वार यीशु है, और तू ऊपर मेरे पास आ, जो बातें मैंने तुझसे कही है, जो होना अवश्य है मैं तुझे दिखाऊंगा, जो प्रॉमिस मैंने किया है मैं तुझे ऊपर दिखाऊंगा, नीचे नहीं। जब अब्राहम ने आंखें ऊपर किया तब वो मेड़ा सिंह में फंसा हुआ था, परमेश्वर ने वहां पर उपाय किया था। जब आप अपने आंखें ऊपर करोगे, जब आप परमेश्वर का कहा सुनोगे, जब परमेश्वर का कहा सुनोगे, ओ तब तलक पानी का द्राक्ष रस नहीं बनता। जब यीशु ने कहा द्राक्ष रस खत्म हो चुका है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे शादी में, तुम्हारे काम में, सब इसमें द्राक्ष रस, वाइन मतलब खुशियां, आनंद आज खत्म हो चुका है, तुम्हारी खुशियां, आनंद तुम्हारे रिश्ते में, फैमिली में, घर में, काम में। परमेश्वर ने कहा वो जो 6 रांझन थे, जो मड़के थे, बर्तन थे, यीशु ने कहा वो पानी से भरो, और जब उसने भरा, उन लोगों ने भरा, तब पानी का द्राक्ष रस बन गया। ऐसा ही नहीं बना। आज जो यीशु कहता है वो सुनो, पानी का द्राक्ष रस बन जाएगा। यीशु कहता है वो सुनो, वो जीसस कहता है वचन में, बाइबल में, वो सुनो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तो अपनी दृष्टि में खुद को शाना मत समझ, बुद्धिमान मत समझ। हालेलुया। परमेश्वर की ओर भरोसा रख, तेरे सब मार्ग परमेश्वर पर छोड़ दे, वो तुझे मार्गदर्शक ठहरेगा, वो गाइड करेगा तुझे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लास्ट वचन अपन पढ़ेंगे, याकूब जेम्स 1:17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। याकूब 1:17, जेम्स
वन चैप्टर 17 वचन में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान, हालेलुया, हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, सबसे बेस्ट ये दुनिया का हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है, हालेलुया, ऊपर ही से, जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिनमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न ही आदला बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हर एक अच्छा वरदान और एक हर एक अच्छा दान, उत्तम दान, हालेलुया, एक अच्छा वरदान और एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है, जो ज्योतियों का पिता है, हाँ, जो उजियाले में रहने वाला पिता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, पिता है, और जो हमारा डैडी है, उसके पास से आता है। हर एक अच्छा वरदान ऊपर से आता है, नीचे से नहीं। तुम्हें अच्छा चाहिए, उत्तम चाहिए, या कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, नौकरी कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, नहीं नहीं, आज अगर तुमको हर एक अच्छा दान और हर एक उत्तम देंगी चाहिए ना, वो ऊपर से ज्योतियों का जो पिता है ना, वहां से आता है, हालेलुया, हालेलुया, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदला बदल हो सकता है कि कारण उस पर छाया पड़े। हाँ, जो दरवाजा द्वार खुदा ने खोला है ना, कोई बंद नहीं कर सकता। आज उसने खोल दिया है, लेकिन वो कहता है मैंने मेरा काम किया है। परमेश्वर कहता है मनुष्य को, इंसान को, मैंने मेरा काम कर दिया है, मैंने द्वार खोल दिया है, यीशु को दिया है। अब तू ऊपर आ, अब तू यीशु के पास आ, अब तू यीशु को ढूंढ। यीशु जो कहता है कर, पानी का द्राक्षरस बन जाएगा, मरा हुआ लाजर बाहर निकलेगा जिंदा होकर, हर एक मरी हुई परिस्थिति आज बदल जाएगी। आज तुम ऊपर देखोगे, ऊपर आओगे, परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है वो प्रॉमिस लैंड, वो प्रॉमिस जो वायदा उसने किया है वो पूरा करना चाहता है। जो जो उसने कहा है उसके सेवक के द्वारा, उसके भविष्यवाणी के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, जो जो कहा है वो करना चाहता है। जो आज तक नहीं हो गई है वो कहते हैं तू ऊपर आ, मेरे पास आ, वो पूरी हो जाएगी। तू नीचे रहेगा ना, तू उसमें ही मर जाएगा, तेरा घराना, तेरा बिजनेस, तेरा कारोबार, काम, सब कुछ, तेरा भविष्य मर जाएगा, फ्यूचर। तू किसको दोष मत लगा फिर, पास्टर को, चर्च को, यीशु को, जीसस को, परमेश्वर को, नहीं नहीं, परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया है प्रकाशित वाक्य 4:1 में, रेवलेशन 4:1 में खोल दिया है उसने दरवाजा। वो कहता है अभी तू ऊपर आ, जो बातें मैंने तुझसे कही है, जो होना आवश्यक है मैं तुझे पूरे करूंगा, लेकिन तू ऊपर आ, नीचे मत रहे, मत रहे नीचे। अब्राम, तुझे बच्चा नहीं है, वो तंबू में से बाहर आ, जब तक वो तंबू में रहेगा वो परिस्थिति को देखेगा, वो तंबू में रहेगा वो परिस्थिति को देखेगा ना, तू वैसे अविश्वास में, मैंने प्रॉमिस किया है लेकिन बिना बच्चा पाते मर जाएगा। परमेश्वर ने खुद उसका हाथ पकड़ा, जेनेसिस चैप्टर 15 में उसको बाहर निकाला और उसको आंखें ऊपर करने को लगाया, बोला ये स्टार गिन सकता तो गिन, इतने में तुझे संतति दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ये वचन के द्वारा क्या कहते हैं कि तेरी सहायता नीचे से नहीं आएगी, धरती से नहीं आएगी, लोगों के तरफ से नहीं आएगी। परमेश्वर कहता है मैं जिंदा परमेश्वर हूं, मैं जिंदा परमेश्वर हूं, मैं जिंदा परमेश्वर हूं, मैं बनाने वाला परमेश्वर हूं, ये धरती का, ये पृथ्वी का, स्वर्ग का मैं परमेश्वर हूं, ये सब कुछ बनाने वाला मैं परमेश्वर हूं, मैं बना तुझे सब दूंगा, मैं बनाऊंगा, जो नहीं है ना मैं बनाऊंगा, आज जो नहीं है ना मैं बनाऊंगा, जो प्यार नहीं है तुम्हारे रिश्ते में बनाऊंगा, जो पैसा नहीं है घर में मैं लाऊंगा, जो चंगाई नहीं है, हीलिंग नहीं है मैं लाऊंगा, जो छुटकारा डिलीवरेंस नहीं है मैं लाऊंगा, जो दरवाजे बंद है मैं खोलूंगा, और जब मैं खोलता हूं ना कोई नहीं बंद कर सकता, मैं देता हूं ना उसमें कोई अदल बदल नहीं कर सकता, ना परिवर्तन कर सकता, ना सैतान, ना नरक, ना सैतान के लोग, ना बड़े लोग, तुम्हारे ऊपर जलने वाले लोग, रिश्तेदार, भाई बहन, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब परमेश्वर ने द्वार खोल दिया है वो कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरी जरूरत को पूरी होना है, तुझे उपाय देखने का है, तो ऊपर परमेश्वर के पहाड़ की ओर, परमेश्वर की हुजूरी में आ। एलिया के जैसा वो चोटी पे जा, परमेश्वर की हुजूरी में जा, ऊपर जा और परमेश्वर से पुकार, उसके वचन में रहे, विश्वास रख, पुकार, वो बारिश गिर जाएगी। हालेलुया।